अब देखिए कैसे पुण्यों में वृद्धि होती है। जब किसी के मन में ये विचार आता है, ये संकल्प आता है कि आज के गुरुवार का वो मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, संकल्प स्व इच्छा से आना चाहिए। अगर कहने से किया तो एक तो किया लेकिन लॉस हुआ मुझे 20%, क्योंकि जिसके कहने से मैंने किया 20% कमीशन उसको मिल गया, तो लॉस किसका हुआ? पूरा का पूरा किया मैंने और लॉस किसको हो गया? तो स्व इच्छा से करें हम। इस सभा में देखिए, मुझे लगता है 1000 के आसपास बैठे होंगे, है ना? 1000 तो होंगे ना, ये ज्यादा होंगे 1000 के आसपास। एक साल में गुरुवार कितने आते हैं? 52। 10 त्योहार लगा लीजिए, जिसमें दिवाली, होली, मम्मा डे, 18 जनवरी, दादी डे वगैरह आते हैं, जो अलौकिक त्योहार। 10 कितने हो गए टोटल? 62। बैठे कितने हैं यहां पर? 1000 के आसपास कानपुर कनेक्शन में, ठीक है ना? कुछ कानपुर के हैं और कुछ कनेक्शन में है। अगर हम 5 लोग का ग्रुप बनाए, 10 लोग का भी ग्रुप बनाए, तो साल में 1-2 गुरुवार और 1 ब्रह्मा भोजन आलिशान भगवान के लिए नहीं कर सकते क्या? उसके लिए उसके बच्चों को खिला नहीं सकते मिलके? हाँ या ना, क्या कहते हो आप? क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमें। आपको अन्नदान, महादान बोला गया है, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। नहीं कर सकते भी, कैपेसिटी नहीं मिली, करना चाहिए या नहीं? लेकिन निस्वार्थ भाव से, स्व इच्छा से होकर करूंगे सामने से। जो स्व इच्छा से होता है उसे इच्छा अनुकूल प्राप्त होता है, इसीलिए स्व इच्छा मस्त कंपल्सरी है। दूसरी बात, जब किसी को ये विचार आया तो कई बार क्या होते हैं, हमने देखे हमारे भाई होते, बिजी होते, बहन जी अच्छा कल गुरुवार है ना, अच्छा कल मेरी बारी है ना, ये लो पकड़ो भोग लगा देना मेरा। जैसे कुछ काम उतार रही है, जैसे सर पे से कोई बोझ उतार के फेंक दिया। बहन जी ने कहा भाई कल गुरुवार है, आ तो जाना, तुम्हारी ओर से ऑफर होगा भगवान जी को। बहन जी कल तो मरने की फुर्सत नहीं, कुछ इतने काम निपटाने हैं। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बहन जी दोपहर के टाइम लेट करके फोन करती है, भाई जी जाते जाते भोग खा तो जाना। अरे बहन जी देर हो जाएगी, नहीं आ सकता, छोड़ो ना। भावना है कहीं दिखाई दे रही है? ऐसे की जब थाली ऊपर पहुंचती है तो भगवान भी परेशान से कहते बच्चे तो याद प्यार दे देना, बस खत्म मामला। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचारी झोपड़ी में रहती है, मेहनत मजदूरी करती है, एक एक रुपया बचाती है, बुधवार की शाम मार्केट को जाती है, एक एक फल चुन चुन के लेकर आती है, एक छोटा सा बाबा के लिए फूलों का हार लाती है, बूढ़ी कांपते हुए हाथों से बहन जी को बोलती है मेरे तिल फूल भगवान की थाली में समर्पित कर देना मुझ गरीब बच्ची का। बहन जी बड़ी भावना से हाँ माता जी क्यों नहीं। जब वो थाली ऊपर पहुंचती है तो ऊपर वाला भी अपना सिंहासन छोड़ता है, 10 कदम आगे बढ़ता है, सर झुकाता है, दोनों हाथ फैलाता है और वो भोग स्वीकार करता है। क्योंकि भूखा केवल भावनाओं का है, वो भूखा है, वो उसे केवल भावनाओं से ही तृप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूखा है,